यूपीएससी एग्जाम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहता है। प्रिलिम्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर डिफेंस के लिए क्या क्या वेपन्स हमारे पास हैं, कौन सी मिसाइल्स हैं, कौन से एरोप्लेन्स हैं, कौन से शिप्स हैं, और यही चीज़ मेंस के अंदर आपसे GS 3 में पूछी जा सकती है कि इंडिया की जो नेवी है, आर्मी है, वो कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करती है, कौन सा लेटेस्ट एडिशन हुआ है, कोई सबमरीन आई है, वो सबमरीन की टेक्नोलॉजी क्या है। ये सब चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहती हैं एग्जामिनेशन का। तो आज मैं गुरमार्ग की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल और इन जनरल मिसाइल्स के ऊपर चर्चा करूँगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर अभी DRDO ने टेस्ट किया है और 2 सक्सेसफुल टेस्ट हुए हैं इस वीक, इसलिए टॉपिक करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो रहता ही है। तो ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई है। इंडिया की DRDO और रशिया का NPOM करके 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है ब्रह्मोस एयर स्पेस, और ब्रह्मोस एयरोस्पेस मिलके ही इसको डिज़ाइन और एग्जीक्यूट कर रही है प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। सुपरसोनिक एक स्पीड का एस्पेक्ट है। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं तो वो आवाज़ इस रूम के दूसरे कॉर्नर में कितनी देर में पहुँच रही है, ये डिपेंड करता है कि आवाज़ की स्पीड कितनी है। तो स्पीड ऑफ साउंड को एक कॉन्स्टेंट स्पीड मानी जाती है कि इतनी देर में साउंड यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचती है। तो एक सुपरसोनिक चीज़ जो होगी वो आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा तेज़ होगी। तो इसी तरह सुपरसोनिक प्लेन्स होते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं जो साउंड की स्पीड से स्लो चलते हैं, जैसे कि कमर्शियल एरोप्लेन्स, इनको सबसोनिक कहा जाता है। साउंड की स्पीड के बराबर चलने वाले को ट्रांससोनिक कहा जाता है। साउंड की स्पीड से तेज़ चलने वाले को सुपरसोनिक, और 5 गुने से ज़्यादा साउंड की स्पीड पे चलने वाले को हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो साउंड की स्पीड को एक टर्म दिया जाता है 1 Mach। अगर कोई चीज़ साउंड की स्पीड पर है तो उसे 1 Mach बोला जाएगा, MACH Mach, और यही अगर 1 से 5 के बीच में होगी तो उसे सुपरसोनिक बोला जाएगा, यानी कि साउंड की स्पीड से 1 गुने से लेके 5 गुने तक, और इससे ऊपर 5 Mach से ऊपर हाइपरसोनिक कहलाता है। तो ये तो हो गया सुपरसोनिक का मतलब। क्रूज मिसाइल को जानते हैं क्या होती है। मिसाइल्स इन जनरल 2 तरह की होती हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल में हमारी अग्नि मिसाइल आती है, इसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM भी कहा जाता है। तो ये मिसाइल्स का क्या फंक्शन होता है कि ज़मीन से उड़ने के बाद इनको स्पेस तक ले जाया जाता है, और स्पेस में जाके फिर ये ग्रेविटी के फ्लो के अंदर आके अपने टारगेट को टच करती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। एक बार ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट चलती हैं, जैसे आपका स्पेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है उसी तरह ये ऊपर जाएगी, और ऊपर जाके इसका प्रोपेलेंट जलना बंद हो जाएगा और फिर ये नीचे ग्रेविटी के फोर्स के अंदर मेनली आती है। तो इस वजह से इसकी ट्रेजेक्ट्री बहुत बड़ी होती है, और आधे घंटे से लेके 35 मिनट के अंदर जो दुनिया की फास्टेस्ट ICBM है वो करीब 10,000 किलोमीटर को कवर कर सकती है। वहीं क्रूज मिसाइल कैसे काम करती है कि एक जगह से लॉन्च होने के बाद उसके पीछे प्रोपेलेंट जलता रहता है और वो दूसरे टारगेट तक सीधा आती है और ऊपर जाके फिर नीचे नहीं आती। इसका मतलब ग्रेविटी का कोई यूज़ नहीं होता, वो रॉकेट का प्रिंसिपल उसको पैरेलल टू द अर्थ लेके जाता है। तो ये 2 तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। ब्रह्मोस दुनिया में सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल्स के अंदर से एक है। इसे कुछ और फीचर्स हम जानते हैं। इसमें 2-stage इंजन है, इसका मतलब पहले जब वो लॉन्च होगी और उसको 1 Mach तक लेके जाया जाएगा, 1 Mach स्पीड तक, तब तक उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट जलेगा, और जब 1 Mach पहुंच जाएगी तो वो पहला स्टेज उससे टूट के अलग हो जाएगा, और उसके बाद लिक्विड फ्यूल जलना शुरू होगा और रैमजेट टेक्नोलॉजी के अंडर होगा। रैमजेट में क्या होता है कि जैसे जैसे स्पीड गेन करेगी वैसे वैसे जो अंदर बर्निंग मेथड है उसके अंदर एयर का कंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, और ये एयर का कंप्रेशन वो बाहर के एटमॉस्फेयर से अचीव करेगी, ना कि किसी इंटरनल टेक्नोलॉजी से। इसको कहते हैं रैमजेट। नेक्स्ट फीचर ये है कि ये 2.5 टन के आसपास इसका खुद का वेट होगा, और इसको बनाने की जो टेक्निक है जो रशियन P-800 ऑनिक्स क्रूज मिसाइल है उसी के ऊपर आधारित है, यानी कि ये इसका बेसिस बना है। और इसका जो नामकरण है मिसाइल का ब्रह्मोस,
वो आता है ब्रह्मपुत्र नदी से और मॉस्कवा नदी से। मॉस्कवा नदी रशिया में है और ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में है। इन दोनों नदियों के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है। नेक्स्ट ये है कि इसके फीचर्स के अंदर फायर एंड फॉरगेट का फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपने लॉन्च कर दी उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है और ये अपने आप ही अपने टारगेट पर जाके टकराएगी, तो इस वजह से इसको गाइड नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये है कि इसकी स्पीड अप टू 2.8 मैक है और कई कुछ चांसेस में कुछ इंस्टांसेस में 3 मैक तक भी खींची गई है, तो 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इसकी स्पीड है। और नए वर्जन्स के अंदर हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि 5-7 मैक तक की भी कोशिश की जा रही है। इसको लैंड, वाटर और एयर तीनों से लॉन्च किया गया है। लैंड पे नॉर्मली लॉन्चर से, वाटर में INS राजपूत से इसको लॉन्च किया गया है और एयर में सुखोई 30 MKI जो हमारा नया प्लेन है उससे भी हमने इसको लॉन्च किया है। इसी तरह इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर्स है। एक बार में ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 300 किलोमीटर्स तक जाके पहुंच सकती है और इस 300 किलोमीटर को 450 से 600 तक करने की बात हो रही है। पहले हम MTCR करके जो कन्वेंशन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, इसके हम मेंबर नहीं थे, इस वजह से हमें लिमिट करनी पड़ती थी अपनी स्पीड्स को। तो रशिया हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहे भी तो भी वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज की मिसाइल नहीं बना सकता था, बट इंडिया को रिसेंटली MTCR के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, तो अब इंडिया को वो टेक्नोलॉजीज़ बाहर से खरीदने का पूरा हक है जो 450 से 600 किलोमीटर्स तक भी मिसाइल की रेंज बना सकती हैं। तो एक फ़ायदा हुआ है इंडिया को MTCR में आने का, अदरवाइज इसकी रेंज पहले 300 से ऊपर नहीं जा सकती थी। नेक्स्ट ये है कि इसके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं। स्टेल्थ का मतलब होता है छुप के वार करना ताकि राडार इसे डिटेक्ट ना कर पाए। अदरवाइज राडार में आने के बाद मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, उसको या तो वहीं फोड़ दिया जाता है या उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है कहीं और। तो क्योंकि ये बहुत तेज है, बहुत हार्ड टू डिटेक्ट है, इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना और भी मुश्किल है और इसलिए इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जब एक बार आपने उसको पॉइंट को मार्क कर दिया है तो ये उस पॉइंट के पास ही जाके फटेगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मिसाइल वहाँ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड दोनों लेके चल सकती है क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी 250 से 300 kg है। मतलब मिसाइल का जो अपना 2.5 टन तक का वेट है उसके अंदर 250 से 300 किलो तक का वो वेट उठा सकती है एक्स्ट्रा, जो कि वॉरहेड होगा यानी कि जो भी बॉम्ब उस पर लगाया जाएगा या जो भी चीज़ फटने वाली है, और न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है वो। नेक्स्ट ये है कि इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो ज़मीन से वो 5 मीटर की हाइट तक से लेके ज़मीन से 14,000 मीटर की हाइट तक यानी कि ऑल्टीट्यूड तक उड़ सकती है। तो इसकी एक रेंज मान लेते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर की रेंज है, जो कि 450 तक एक्सटेंड करने की बात हो रही है। सेकेंडली ये कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ाएगी ये या ऊंचाई पर उड़ेगी, तो या तो वो 5 मीटर से लेके 14,000 मीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि ब्रह्मोस की जो वर्जन्स हैं उनके कुछ नाम मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ब्रह्मोस ए यानी कि एयर वाला वर्जन को बोला जाता है। ब्रह्मोस 2 600 किलोमीटर और 5 से 7 मैक हाइपरसोनिक स्पीड पे चलने वाली का नाम रखा जा रहा है। और ब्रह्मोस NG यानी कि न्यू या नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस को 1.5 टन का बना के थोड़ा वेट कम करके और इसका छोटा वर्जन निकालने की बात हो रही है। तो ये सारे वर्जन्स ब्रह्मोस के वेरिएंट्स कहलाएंगे और इनका ये फ़ायदा होगा कि हम अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिग्निफिकेंस DRDO के लिए और इंडिया के लिए है इस मिसाइल को क्रिएट करना। दुनिया की सबसे तेज़ मिसाइल्स में से आती है और इससे जो भी इंडिया के अप्रिहेंशंस हैं अपने नेबर्स को लेके, अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, वो भी एड्रेस होते हैं। और साथ ही इंडिया एक एक्सपोर्टर बन सकती है इस तरह की मिसाइल्स के लिए जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ खरीदना चाहती हैं। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, आपने इसका आंसर कमेंट्स में डालना है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे।